नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में अब रिया चक्रवर्ती को सामने आकर बताना ही होगा कि उसने आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किया था। जी हां, बहुत ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सामने सारी सच्चाई खुलकर सामने आने वाली है और आप सभी को पता चल जाएगा कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था और फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। ये सारी सच्चाई आपको हमारी इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और इसी वजह से आज तक सबूत नहीं मिल पाया और कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार क्या हुआ SSR के साथ और किसने इस घटना को और क्यों अंजाम दिया। लेकिन फिर भी कई बार जब सबूत मिलते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं और सबूतों को देखने के बाद सभी को पता चल जाता है कि जरूर सुशांत सिंह राजपूत को खत्म ही किया गया होगा। और हर कोई अगर किसी के ऊपर सबसे पहले शक करता है तो वो रिया चक्रवर्ती ही है। रिया चक्रवर्ती का नाम ही सबसे पहले सबसे आगे आता है। लेकिन हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता चलने वाला है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, खुद रिया चक्रवर्ती को बताना होगा। जी हां, आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस एक बार फिर से पूछने लग गए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात क्या हुआ था, वो कौन से लोग थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में 14 जून 2020 को एंट्री लेते हैं इस वजह से, ताकि वो सुशांत को बेहद ही शातिर तरीके से खत्म कर सके। अभी भी ये केस पूरी तरह से उलझा हुआ है और CBI और NCB की टीम मिलकर इस केस को सुलझाने का प्रयास करती है। जब जब तब तब सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही सभी की निगाहें जाती है और रिया चक्रवर्ती इस केस का पहला और आखिरी मोहरा रह जाती है। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती को सुशांत केस की बहुत सारी बड़ी और अहम जानकारियां हैं, लेकिन बावजूद इसके रिया चक्रवर्ती ने कभी भी इस केस में कोई बड़ा खुलासा नहीं किया और कोई भी बड़ी जानकारी नहीं दी। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलने वाला और रिया चक्रवर्ती को सामने आकर बताना होगा कि आखिरकार उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किया और क्यों सुशांत सिंह राजपूत की कुछ लोगों ने जान ली है। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, ऐसा लग रहा था कि अब ये केस यहीं पर ही सुलझ जाएगा और ऐसा लग रहा था कि सारी सच्चाई पुलिस वाले सामने लेकर के आ जाएंगे और रिया चक्रवर्ती बता देगी कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और रिया चक्रवर्ती देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर ही जेल से बाहर आ गई। लेकिन सौविक चक्रवर्ती अभी भी जेल में बंद था और सौविक चक्रवर्ती के जेल में बंद रहने की वजह से फैंस की उम्मीदें जो थी वो लग रहा था फैंस को कि कहीं ना कहीं अभी भी सुशांत को इंसाफ मिलेगा और ये केस सुलझ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते सौविक चक्रवर्ती भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के बाद जेल से बाहर छूट गया और इसके बाद सुशांत के फैंस को बड़ा झटका लगा जब पता चला कि अभी भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सुशांत का केस सॉल्व हो पाएगा, क्या रिया चक्रवर्ती सामने आकर कुछ बता पाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस गुहार लगा रहे हैं रिया चक्रवर्ती से कि रिया को बताना चाहिए कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। बेशक से एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी भी लोग इस केस को भूल नहीं पाए हैं और वो रिया चक्रवर्ती से ही गुहार लगा रहे हैं कि रिया को बताना होगा कि क्या किया उसने सुशांत के साथ या फिर सुशांत के साथ उस रात क्या हुआ था। तो यही था वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि अभी भी SSR को इंसाफ मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।